दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर आपका पैन कार्ड हो सकता है खो गया हो या फट गया हो या किसी कारण बस आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आपको डाउनलोड करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। आप मिनटों में अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ही बड़ा काम नहीं है। लेकिन आप काम क्या है मैं आपको बता दूं। अब सबसे पहले आप पैन कार्ड देखिएगा, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इस पैन कार्ड के पीछे ये लिखा होता है कि पैन कार्ड किसके द्वारा बनाया गया है, क्योंकि इंडिया में दो एजेंसी है जो पैन कार्ड बनाती है, साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी डायरेक्ट पैन कार्ड बनाता है। तो आपकी जिस एजेंसी से पैन कार्ड बना होगा, जिसके द्वारा बनाया गया होगा, उन्हीं की वेबसाइट से आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको जो पैन कार्ड शो हो रहा है, देखिए यहां पर लिखा है यूटीआई, है ना। यूटीआई ने मतलब कि यूटीआई ने इस पैन कार्ड को बनाया है। आप वाले में हो सकता है एनएचडीएल लिखा हो, क्योंकि एनएचडीएल भी पैन कार्ड बनाती है। तो जिस भी एजेंसी ने आपका पैन कार्ड बनाया है उसी एजेंसी के लिंक पर जाना है, वहीं से आपका पैन कार्ड डाउनलोड होगा। लिंक आपको तीनों के यूटीआई का, एनएचडीएल का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तीनों के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप जिस भी लिंक पर क्लिक करेंगे, जो भी आप पैन कार्ड आपके पास था जिस एजेंसी का, उससे डाउनलोड करना होगा। आपको शायद पैन कार्ड आपके पास ना हो, आपको पता भी ना हो किससे डाउनलोड करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए आप तीनों पर बारी बारी से क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड सपोज पहले एनएचडीएल में चेक करिएगा, है ना, और अगर वहां बताता है कि आपका पैन कार्ड यहां नहीं अवेलेबल है तो आप यूटीआई पर क्लिक करिएगा, यूटीआई पर चेक कर लीजिए। वो भी नहीं बताता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्हीं तीन में से किसी ना किसी से बना होगा, तो आप किन्हीं पर भी चेक कर सकते हैं। तो चलो आज हम जान लेते हैं कैसे अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना है। हालांकि जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं वो यूटीआई का देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास यूटीआई का पैन कार्ड मैं डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। प्रोसेस तीनों के सेम है, एनएचडीएल, यूटीआई और आपका इनकम टैक्स, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। जिस भी एजेंसी का पैन कार्ड है उस पर क्लिक करके डाउनलोड करें, या आप बारी बारी तीनों से कर सकते हैं, होगा एक सी, क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो आप तीनों पर क्लिक करके इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं और अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब जैसा कि मेरा यूटीआई से बना है तो मैं यूटीआई वाले लिंक पर क्लिक करके यहाँ आ चुका हूँ। अपना पैन कार्ड डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, कैप्चा डालूंगा और सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करते देखिए आपका पैन कार्ड, मोबाइल नंबर के कुछ अंक दिखाई देंगे, मैंने हाइड कर रखे हैं। आपको फिर से कैप्चा डालना है, डिटेल वेरीफाई करवाता है, डिक्लेरेशन देना, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ये आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, उसे यहाँ पर इंटर करके सबमिट कर देखिए, आपको डिटेल आ जाएगी, ई पैन एप्लीकेशन नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोड ऑफ एप्लीकेशन ई पैन डाउनलोड, सारी डिटेल आ चुकी है। और आपका अप्ली बोल रहा है द ई पैन लिंक हैज़ बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर, दिस अप्लीकेंट कैन डाउनलोड ई पैन बाय द यूजिंग द लिंक। आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था उस पर एक पैन लिंक भेजा गया है, उस लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो मैं अपने मैसेज बॉक्स में जाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक लिंक आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे, योर ई पैन जनरेशन सक्सेसफुली यूज दिस लिंक। तो मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा, ऐसे मैं ओपन करूंगा। आप इसे कॉपी करके ब्राउजर पर ओपन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इंटर ओटीपी रिसीव योर मोबाइल नंबर। देखिए ओटीपी मेरे पर आ चुका है, मैं यहाँ पर ओटीपी डालूंगा। जैसे इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ओटीपी आएगा, आपको कुछ करना नहीं है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिएगा दो ऑप्शन आ जाते हैं, डाउनलोड ई पैन पीडीएफ, डाउनलोड ई पैन एक्सएमएल। तो मैं पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगता है, तो आपको दोस्तों पासवर्ड अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज दैट 1/1/2002 है, तो आप यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 है तो आपको डालना है 01/01/2002। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज दैट 13/7/92 है तो आपको 13/07/1992 पूरा यहां पर डाल देना है, कोई और सिंबल नहीं लगाना है। तो ये देखिए मेरा ई पैन डाउनलोड हो चुका है, मुझे दिख रहा है, मैंने चीज़ें हाइड कर रखी हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो कैसे जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। यूटीआई का मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया, अगर आप फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि एनएचडीएल का कैसे डाउनलोड करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि सर एनएचडीएल का भी वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना दूंगा और आप उसका भी पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कोई सजेशन है तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। और अपडेट पाने के लिए आपको वीडियो लगातार मिलते रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें हेल्प इन हिंदी चैनल को, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। थैंक्स।